जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। क्रिसमस में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम 2 फरवरी ईश्वर के मंदिर में समर्पण का पर्व मना रहे हैं और ये यहूदी प्रथा के अनुसार एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मरियम का शुद्धिकरण का पर्व। आज का पर्व हमें यह बताता है कि ईश्वर ने शरीर धारण कर पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किया, जिससे वह हमें कुछ सिखा सके अपने मूल्यों के बारे में और अपने समान बना सके। क्या मैं और आप प्रभु के समान बनने को तैयार हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा में हमारे माता पिता ने भी हमारा इसी प्रकार समर्पण ईश्वर के मंदिर में किया है। हम सब भी प्रभु के बन गए हैं, लेकिन क्या आज के इस युग में हम प्रभु की उपस्थिति को पहचानते हैं, जानते हैं? अगर सचमुच में जानते या पहचानते हैं तो क्या हमारा प्रभु के प्रति समर्पण दृढ़ है, या हम संसार की मोहमाया में पड़कर रास्ते से भटक जाते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु का दिया हुआ वरदान है। हम हमारा कहकर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सब कुछ ईश्वर द्वारा हमें दिया गया है। केवल एक चीज जो मात्र हमारी है वो है हमारे पाप। अब प्रभु भी उसे माफ कर देना चाहता है, साफ कर देना चाहता है, लेकिन क्या हम प्रभु के पास जाने को तैयार हैं? इसाईस नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारे पाप किरमिज की तरह मटमैले भी क्यों ना हो तो भी मैं उन्हें शुद्ध करूंगा। मेरे पास आ जाओ, मुझसे बातचीत करो, मेरे साथ वार्तालाप करो और हम सब मिलकर सब कुछ साफ कर देंगे। यही प्रभु का आश्वासन हम सबों के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम प्रभु के पास जाने को तैयार हैं? क्या बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया? बपतिस्मा से हमारे एक नए जीवन की शुरुआत होती है और नई शुरुआत अगर हम प्रभु में समर्पित होकर करें तो हमारे लिए सब कुछ प्रभु की आशीषों से भरा होगा। इसलिए योहान का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरा अनुसरण करती है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने जो सुंदर जीवन हमें दिया है, आइए उसे प्रभु को समर्पित करना सीखें, प्रभु के मार्गों पर चलें, उसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमारा जीवन प्रभु के समान बन जाए और हम प्रभु के योग्य साक्षी बनकर इस संसार में दूसरों को भी प्रभु के करीब लाने में सक्षम हो जाएं। आइए इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।